नाश्ता कर रहे हो? अच्छा, और इधर बुशरा और मोहसिन जो है नाश्ता कर रहे हैं। ये हमने कल दोपहर में बनाया था बड़ा गोश्त, तो ये वो ही है। और ये मोहसिन ने अपनी अलग रोटी ली हुई है और बुशरा ने अपनी अलग ली हुई है, और ये भी नाश्ता कर रहे हैं। अभी मुकद्दस जो है नलके पे है, वो मुँह धोने के लिए गई हुई है, और पर्स में ना भी अभी जो है ना उठी है, और वो उधर नलके पर बैठ के बर्तन धो रही हैं। अच्छा, तो गाइस देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेड की सारी सेटिंग वगैरह कर ली है और फातिमा फिर से लेट गई है, और वहाँ पर रिहान भी सोया हुआ है, उसको भी देखते हैं कि कैसे सो रहा है। देखो ये तो इसने आज ये ऐसे सोया हुआ है, अब इसकी सेटिंग करनी है, इसको सुलाना है। इसकी मम्मा नाश्ता कर रही थी तो इसको हमने ऐसे ही आके सुला दिया, और कमरे की भी बाकी सेटिंग वगैरह हमने कर ही ली है। इस इधर कुछ सामान पड़ा हुआ था तो ये भी हटा लिया, बस ये कुछ पड़ा हुआ है, और ये बिस्किट बुशरा के रखे हुए हैं, मंगवाए हैं सुबह इसने के भाई मैंने बिस्किट खाना है, मुझे ला के दें, फिर वो लेके आए हैं। फिर इसने कुछ खाया कुछ नहीं खाया, दो पैकेट इसने रख दिए। बाकी इस तरीके से सेटिंग हो गई है, झाड़ू वगैरह भी लगा दिया है। कुछ बर्तन थे वो पहले धुल गए थे सुबह वाले टाइम को, और अभी कुछ नाश्ते वाले बर्तन हैं जो अभी धोने वाले हैं। और मुकद्दस भी देखो, मुकद्दस क्या कर रही हो? पानी भरना है कहाँ से? गिलास में पानी भरना है। गिलास बाहर पड़ा हुआ है, अम्मी के पास है। और बस मैं अभी बाहर बैठ के नाश्ता कर रही है अभी भी। तो ये देखें नाश्ते वाले बर्तन ये खाली हुए पड़े हैं, अभी ये भी धोने हैं, तो नलके पे लेके जाने हैं। और अभी अम्मी भी उधर खड़ी हुई है देखें सामने। और गाइस अभी जो है इकरा अपी ने ये कपड़े वॉश किए हैं, ये देखें अभी ये कपड़े धोए हैं। ये बुशरा का ऑरेंज वाला सूट धोया सही है, और ये मेरा भी धोया है, जो सूख गए उन्हें उतार लिया, और जो नहीं सूखे वो खड़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धोए थे ना, सबके ही धोए हैं ना, इसलिए सूखे हुए उतार लिया। और यहाँ पे धोए हुए हैं मुकद्दस और मोहसिन के, ये मुकद्दस का मोहसिन और रिहान के यहाँ पे हैं कपड़े, सही है, इनके धोए हुए हैं कपड़े, और उसने कपड़े धोए हैं अभी अभी। तो फिर मतलब बाकी तो सुबह से सारा काम हो चुका है, बर्तन भी धो लिए, और जिसके मतलब जो कपड़े वगैरह वॉश करने थे सबने वो भी कर लिए। ये देखें यहाँ पे, ये पता नहीं अभी क्या क्या है, क्योंकि पहले तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे सब्जियाँ थी उगी हुई। देखें अभी सारी जगह खाली पड़ी है, पहले आपको दिखाया था वो सारी जो खजूर है वहाँ तक सारी सब्जियाँ उगी हुई थी, पालक थी, सब्ज़ी थी, और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे उगा हुआ था। तो अभी सारी सब्जियाँ पता नहीं कहाँ उड़ गई, मतलब ख़त्म हो गई हैं, पता नहीं कहाँ कैसे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए नीम का पौधा लगा है, छोटा सा है, नीम का इतना सा पौधा है, यहाँ पे भी छोटे छोटे से पौधे उगे हुए हैं। ठीक है, अभी मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या उगा हुआ है, वरना मैं आपको बताती क्या क्या होगा हुआ है। बस मैं आपको लोगों को ये दिखाने आई हूँ कि यहाँ पर जो है सारा कुछ ख़त्म हो गया है। आपको दिखाया था ना पहले कितना सारा भरा हुआ था यहाँ पे, किसी जगह पे रुक के मतलब वीडियो बनाने की जगह नहीं थी, किसी जगह पे रुक के बंदा बना ले वीडियो, सही है, इतनी सी जगह नहीं थी, पाँव रखने की भी नहीं थी जगह, सारी जगह पर सब्ज़ी ही सब्ज़ी थी, और पता नहीं क्या क्या था यहाँ पर। तो इस जगह पर गाजरें थीं और धनिया था, पता नहीं क्या क्या था यहाँ पे, ज़्यादा यहाँ पे पूरे पे यहाँ पे ऐसे गाजरें लगी हुई थी सारा। और ये है खजूर का दरख्त, और देखें इसके ऊपर खजूरें भी लगी हुई हैं, ये खजूर है, खजूर का पेड़ है, इसके ऊपर देखें खजूरें लगी हुई हैं, साथ में ये छोटे छोटे से सफ़ेदे लगे हुए हैं, ये लाइन में देखें इतने लगे हुए हैं, इतने सारे ये लाइन में ऐसे लगे हुए हैं सारे, ये देखें खजूरें कैसे लगी हुई हैं,
हैं तो अभी कच्ची और हैं भी छोटी छोटी अभी। वैसे ये लगी हुई हैं और फॉल्स से भी लगे हुए थे ना, अभी उनकी कंडीशन देखते हैं उनकी कंडीशन क्या हुई पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स से भी गए थे, ये देखिए अम्मा वालों की जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा है ये, कैसे किस हाल में पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है और ये यूज़ में भी नहीं आता अभी, ठीक है। दो चूल्हे हैं पड़े तो ये यूज़ में नहीं आता, इसलिए ये देखें यहाँ पे लगे हुए थे फॉल्स से जो कि सूख के ख़त्म हो गए। ये देखें यहाँ पे ऐसे हुए पड़े हैं, इस कंडीशन में हैं, इतने 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 सूख गए हैं सारे और टूट भी गए हैं। यहाँ पे ये पौधा भी लगा हुआ है, देखिए नल का सारा, ये चीज़ जो है गीली हुई पड़ी है, अभी अभी तो फारिग हुए हैं ना सारे काम करके, इसलिए पहले बर्तन धोए फिर वॉश किया, मतलब बर्तन धो के फिर पहले बार जिसमें इन्होंने अपने बच्चों के कपड़े धोए, उन्होंने अपने बच्चों के कपड़े धो लिए, तो फिर उसके बाद जो है इकरापी ने कपड़े धोए। अभी वैसे रुक जाता है कभी कभी, और वहाँ पर देखते हैं वो क्या लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा है। ये देखें ये मेरे ख्याल से मैंगो है, देखें मैंगो लग रहा है मुझे तो, ये देखें रेड कलर का इसका पत्ता है, ये मैंगो का लगता है, वो है दरख्त शायद मैंगो का है। और ये पता नहीं पुदीना है या बबरी है, माँ बता रही थी ये वो होती है। यहाँ से तो सारी सूख गई है लेकिन यहाँ पे अभी हरी हरी है। यहाँ पे फूल भी देखें ले लिया इसने, एक दो फूल भी लिए हुए हैं। और ये मुझे पुदीना लग रहा है, ये शायद पुदीना है। यहाँ पर और देखें यहाँ पर नीम के ऊपर नमूरियाँ भी लगी हुई हैं, ये जो लगती होती है ना ये छोटी छोटी सी, ये ऊँची है मेरे हाथ से तो काफ़ी। ये देखें ये वाली जो नमूरियाँ, ये जब येलो हो जाती है ना ये खाने के भी हो जाती हैं। लिखना ने जब हजमिल के कपड़े भी भिगो के रख दिए हैं धोने के लिए, अभी धूप पे रख दिए हैं भिगो के सर्फ वाले पानी में, तो फिर इसके बाद में ही धोना, अभी भिगो के रख दिया। और यहाँ पर पड़ी है मुकद्दस की टॉय कार, मुकद्दस की ये टॉय कार पड़ी है, ये इसकी तार जो है ना उन्होंने टेढ़ी कर दिया, पहले इस तरह होती है ना इस तरह, उन्होंने ना टेढ़ी कर दिया, इस तरह से भी पड़ी है अभी, अब इस तरह भी पड़ी है। और यहाँ से शायद ये टूट रही थी, फिर इसको इन्होंने ये लगा दिया, कपड़ा लगा दिया। ये लाइट्स वाली है, एक मिनट इसको अंदर ले चलते फिर आपको इसकी लाइट्स ऑन करके दिखाएं। ये देखें देखें इसकी लाइट्स ऑन है और ये रिमोट के साथ चलते हैं, इसका रिमोट भी यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, नहीं इधर तो नहीं पड़ा इसका रिमोट, बस इसको अभी बंद करते हैं और रखते हैं। अभी मोहसिन का सूट, ये उसके मम्मा ने अभी धो के रखा है, बजस्मीना ने अभी धोया है इसे, तो बस इसको धो के ही रखा हुआ है, तो अभी इसको प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद फिर इसको मोहसिन शायद आज वो ये वाला मतलब ड्रेस डाले। यहाँ पे भाई जमील के कपड़े भी करापी ने प्रेस करके इस तरह से ये देखें खड़े कर दिए, इस तरह से खड़े किए हुए हैं। और हवा भी चल रही है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। हवा आपको दिखाएंगे, देखें कभी कभी क्या हुआ कि पत्ता हिल गया, ये देखें हल्की हल्की सी हवा चल रही है। और विलेज में तो ज़्यादा वो नहीं होता ना, गर्मी का भी इशू नहीं होता है, विलेज में गर्मी नहीं लगती है ज़्यादा, धूप तो होती है, खुले घर है ना इसलिए धूप तो होती है तो गर्मी नहीं लगती, क्योंकि इन जो दरख्त हैं इनकी हवा जो होती है उससे गर्मी का एहसास नहीं होता और गर्मी नहीं फील होती है ज़्यादा। और अभी हमारी छुट्टियों का काम, हमने बैग वगैरह यहाँ पे मंगवा लिए हैं अपने के भाई मिल सके कि वो हमारे बैग यहाँ पे ले आए थे, हमने कहा चलो कुछ दिन यहाँ पे रुक ही रहे हैं ना तो अपना जो काम वगैरह है वो भी इधर ही स्टार्ट कर दें, मतलब यहाँ पर अपना काम वगैरह करते रहेंगे स्कूल का। तो बुशरा आपी ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया, मैं भी कल से अपना काम स्टार्ट कर दूँगी, उसने अभी अपना कुछ ना कुछ काम कर ही लिया है स्कूल का ना, कुछ काम इसने कर लिया है तो कुछ रहता है उसका, अभी इसने थोड़ा सा ही लिखा है लेकिन काम हमारा स्कूल का स्टार्ट हो गया है, वो भी अभी लिखना है, काम करना सही है, फ़िलहाल तो बस इतना ही है। बता तो गाइस अम्मा और भाई सैंपल गए थे
दरबार पर, तो उधर से लेकर आए हैं बर्गर और ये अभी खाना वगैरह खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाली चीज़ लेके आए हैं दरबार की और ये बुशरा खा रही है बर्गर। बुशरा मेरा हिस्सा नहीं है क्या? है, मुझे तो दो फिर। दे देती हूँ। दो मुझे, और ये मेरा हिस्सा मिल गया। और माशाल्लाह इधर का बर्गर भी बहुत अच्छा होता है। मैं जो है ना यहाँ पे अम्मी के पास रहती हूँ, क्योंकि मेरी टांग का मसला है। मेरे शौहर जो है कराची में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, तो मेरे जो है ना ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको उठाने का मसला होता है, कहीं ले जाने का मसला होता है, दवाई वगैरह लेनी होती है या कुछ हो जाता है, तो अम्मी साथ देती है। जैसे हर माँ अपने बच्चों का साथ देती है, वैसे ही मेरी माँ मेरा साथ देती है, इसलिए मैं यहाँ अम्मी के पास रहती हूँ। और यहाँ को देखो, अभी उठाए तो फिर फौरन सो गया, बाजू ने झूला हिलाया तो फिर सो गया। जो पीछे हमारे ससुराल वाले घर में जो हमारा घर था ना, वो बारिश की वजह से ना टूट गया था, तो मैं अपनी टांग की वजह से उसको मट्टी नहीं लगा पाती यहाँ, क्योंकि हमारा कच्चा घर था ना, तो इसी वजह से अब दोबारा बनाने की भी फुर्सत नहीं है, तो इसलिए जब फुर्सत होगी तो हम चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खिलाने पिलाने के लिए पैसा चाहिए होता है पालने के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ी मुश्किल से पलते हैं ना, तो इसी वजह से ना जो है यहाँ मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ। जब फुर्सत होगी, जब बच्चे बड़े होंगे, पैसे की बचत होगी, तब जाके अपना घर बनाएंगे, फिर चले जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना मेरा दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि आपके दूध में ना जहर होता है, तो इसी वजह से ना बच्चे फोत हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। इसी वजह से ना जैसे पैदाइश होती है, बच्चे को डब्बे वाला दूध पिलाना पड़ता है या गाय भैंसे का दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि जब थोले से बड़े हो जाते हैं ना, जैसे 3 माह का हो जाता है, तब जाके हम गाय का दूध पिलाते हैं, पहले जो होता है वो डब्बे वाला दूध पिलाते हैं। और ये इनकी स्टोरी रही। और माशाल्लाह मुकद्दस को भी देखें, इतनी माशाल्लाह बड़ी हो गई है। इनका पालना देखें और देखें कि अल्लाह पाक खिलाने पिलाने वाला है। और इनका वो मजदूरी वगैरह करता है, तो इस वजह से ना बाज समीना इधर रहती है। जब वो अभी भी ईद पर आए थे तो इधर ही रुके थे, तो कुछ दिन लगा के फिर चले गए। वो भी अभी आज उसकी कॉल आई है, तो वो भी कह रहा था कि उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसने कल अपनी ड्रिपें वगैरह अपने खुद को लगवाई और काफ़ी सारा बीमार हो गया, तो दुआ करें कि वो भी ठीक हो जाए बहुत जल्द और अपने बच्चों को पाले और इनका साया अपने बच्चों पर अल्लाह पाक इनका कायम और दायम फरमाए। आमीन सुम आमीन।